अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। जमीनी विवाद में युवक की बांका से गर्दन काटकर निर्मम हत्या। हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। मृतक सर्वेश कुमार लगभग 15 वर्षों से अपने मामा के साथ रह रहा था। मृतक सर्वेश कुमार की उम्र लगभग 32 वर्ष थी। गांव के बाहर कुटिया में रहता था मृतक युवक। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची घाटमपुर पुलिस व फॉरेंसिक टीम। जांच कर पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। शक के आधार पर गांव के युवक को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र की रंजीतपुर गांव की घटना। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हत्या का एक मामला सामने आ रहा, क्या घटनाक्रम है? ये आज रात बीती रात के करीब 1:30 बजे थाने पर 112 के माध्यम से सूचना आई कि रंजीतपुर गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना पर तत्काल SHO घाटमपुर फोर्स के मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम सर्वेश था, वो अपने मामा के पास रह रहा था पिछले 15 साल से, जिसकी उम्र करीब 32 साल है। आवश्यक कार्रवाई पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और उसके मामा की तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत करा दिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई किया गया। फसल की टीम मौके पर है, अभियुक्त की गिरफ्तारी से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या किस के आधार पर किसी को उठाया गया है? अभी उन्होंने जो बताया उस पर कार्रवाई चल रही है, जैसा होगा आपको बताया जाएगा। सर क्या वजह सामने आ रही है? ये अभी शुरुआती बात है, बाद में और स्थिति क्लियर होगी तो बताया जाएगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।